तो दोस्तों की हालचाल, सब बढ़िया। आप देख रहे हो कुकिंग विद निकिता रोसली चैनल। आज बनाते हैं टमाटर की चटनी। एक रोटी खाओगे तो उसकी जगह चार रोटी और खाओगे। क्या ही करना है, रसीले भरे लाल लाल टमाटर लेना है और ये देसी टमाटर होना चाहिए। इसके ऊपर का ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ ना, वैसे ही काटना है। ऊपर का पार्ट अलग कर देना है और बीच में से दो हिस्से कर लेना है। फिर कढ़ाई चढ़ाना है, कढ़ाई को अच्छे से हॉट हॉट गरम कर लेना है। गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम 7 से 8 कली लहसुन के। लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई हो जाए, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है, अलग से बर्तन में रख देना जैसे मैं कर रही हूँ। और तेल को कढ़ाई से अलग नहीं करना है, उसी कढ़ाई में डालेंगे हम 250 ग्राम टमाटर। अगर ये चटनी आपने बना लिया ना तो उंगली चाटते रह जाओगे टमाटर की, और दूसरी चटनी तो भूल ही जाओगे। ढक्कन लगा देना है। 10 मिनट होने के बाद इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, क्योंकि हमें नमक का इस्तेमाल बाद में भी करना है तो नमक थोड़ा कम ही डालना। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपको दिख ही रहा होगा कि हल्के हल्के इसके ना छिल ऊपर की जो चमड़ी रहती है ना टमाटर की लाल लाल वाली, वो निकलना चालू हो गई है। फिर ढक देना है 10 मिनट के बाद। फिर ये चिमटे के हेल्प से ऐसे टमाटर की सारी छिलका उतार लेना, इसकी चमड़ी रहती है वो उतार लेना। और गैस को बंद कर देना, क्योंकि हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। फिर क्या ही करना है, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। बर्तन में डालेंगे हम सारे टमाटर, और ये इतने नरम हो जाते हैं ना कि आप चम्मच के हेल्प से भी इसे दबा दबा के एकदम इसका पेस्ट बना देना बढ़िया। अच्छे से पेस्ट बनाना है। जो टमाटर का पानी बचा था वो भी इसमें डाल देना है। मीडियम साइज के 2 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्ची बारीक काट ली थी, इन दोनों को अपन पहले डाल देंगे। मीडियम साइज के प्याज ही लेना है, ठीक है, और तीखी हरी मिर्ची इसको बारीक बारीक काट लेंगे। फिर है ना इसमें डालेंगे हम जो लहसुन गार्लिक जो हमने फ्राई करके रखा था, ये तसले के हेल्प से दबा दबा के हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्ची और प्याज का फ्लेवर पूरा टमाटर में चले जाना चाहिए अच्छे से। थोड़े मेहनत वाला काम है पर खाने में ना गजब टेस्ट लगता है इसका। फिर 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम रेड चिली पाउडर। नमक हमने पहले डाल चुके थे, थोड़ा सा नमक और डालेंगे, और काला नमक या सेंधा नमक डालना कंपलसरी है। और फिर हम डालेंगे लास्ट में हरा धनिया, और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वायरल चटनी ना ज़रूर बनाना। खाने में क्या ही बताऊँ, बहुत गजब टेस्ट है और बनाना बहुत इजी है। तसले के हेल्प से इसको अच्छे से मिला लेंगे, और ये इसको ना ठंडा होने के बाद ही खाना, गरम गरम मत खाना।